हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th क्लास के बच्चे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप 9th क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं। शायद मेरी जानकारी के अनुसार 9th क्लास में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मैं +1 के बच्चों को टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग थ्योरीज दी है। हकीकत तो यही है कि आज तक किसी ने न तो किसी एटॉम को देख पाया है और न ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। एटॉम्स के बिहेवियर के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम यह एनालिसिस करते हैं, या हमारे साइंटिस्ट ये एनालिसिस करते हैं कि शायद इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। मैं आपको बता दूं कि डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कि सबसे पहले एटॉम वर्ड का यूज किया था। डाल्टन के टाइम तक न तो इलेक्ट्रॉन्स, ना ही प्रोटॉन्स और ना ही न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई जानकारी थी। डाल्टन ने ये कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटॉम। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, जिसे कि और आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे एटॉम कहा जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में लोगों को पता लगा, तो जे.जे. थॉम्सन ने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। ये कांच का बना हुआ एक ट्यूब है, ये जो देख रहे हैं, ये पेंसिल जहां पर मैं मूव करा रहा हूं, ये कांच का बना हुआ एक ट्यूब होता है। इसकी लंबाई अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई है। आप यहाँ पर ये समझें कि लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास सिलेंड्रिकल शेप होता है। दोनों किनारे इसके बंद होते हैं और दोनों किनारे पर, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक को इलेक्ट्रिसिटी के माइनस से, जिसे कि कैथोड कहा जाता है, और दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी के प्लस से जोड़ दिया जाता है, जिसे एनोड कहते हैं। इसके अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, यानी कि 0.0001 atm के आसपास गैस का प्रेशर रखा जाता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में 1 atm होता है। यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है और इसमें से, इस वैक्यूम पंप के हेल्प से गैस के प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। जब इसके अंदर प्रेशर लगभग 0.0001 atm के आसपास होता है, और यहाँ से हाई वोल्टेज का मतलब आप समझ लीजिए 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक अप्लाई करते हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की ओर जाता है। हालांकि यह रेज जाते हुए तो दिखाई नहीं पड़ा। एक्चुअली वहां पर हुआ क्या कि ये जो एनोड के पीछे की जो ये दीवार है, यह ग्लो करने लगा। अब यदि यह दीवार ग्लो करने लगे, इसका मतलब ये होता है कि सामने से लाइट आ रही है, तो सामने में क्या है, कैथोड है। तो इस तरीके से यह एनालिसिस किया गया कि शायद कैथोड से रे आ रही होती है इस तरीके से, इसलिए इस रे का नाम रखा गया कैथोड। यहां पर देख लीजिए 10,000 वोल्ट लिखा हुआ है, 10^-4 atm है। मैंने आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर इस कैथोड रे का जो स्टडी किया गया, इसमें कई चीजों को ऑब्जर्व किया गया, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर
यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी को बताया गया। पहली बात आपको याद रखना है, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद वेरी हाई वेलोसिटी। ये सब आपकी मर्जी, आप लिखें ना लिखें, लेकिन ये मेन पॉइंट लिखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी। नंबर टू में, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ये मैकेनिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है वो जान लीजिए यहाँ पर इस पिक्चर में। अब यहाँ पर यदि किसी व्हील को रख दिया जाए, यहां पर किसी व्हील को रखा गया और यहां से स्विच ऑन करके कैथोड रे को प्रोड्यूस किया गया। जैसे ही कैथोड रे यहां से प्रोड्यूस हुआ, ये जो व्हील था ऑटोमेटिक रोटेट होने लगा। इसका मतलब मैकेनिकल इफेक्ट यहां पर डेवलप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में आप यहां पर लिखेंगे कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। If a small light pedal wheel is placed between the electrodes, is rotated, मैंने अभी यही कहा था कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में एक कम वजन वाली व्हील को रखा गया और जब कैथोड रे क्रॉस किया तो वह उसके बीच में रोटेट करने लगा। इसे इंडिकेट होता है कि ये जो कैथोड रे है मेटेरियल पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं कि कैथोड रे प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट, सो दिस इंडिकेट दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि ये जो कैथोड रे है मेटेरियल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, कैथोड रे हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर टू में ये हो गया कि कैथोड रे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और, ये जो कैथोड रे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसको ऐसे यहां पर समझे इस पिक्चर के थ्रू, यदि मान लीजिए इस बीच ये अपना डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, यहां से ये कैथोड रे जा रही है, और यदि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दें, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया, तो यहां पर देखा क्या गया कि यह जो कैथोड रे है यह इधर की ओर मुड़ जाती है, ये प्लस की ओर मुड़ जाती है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ये जो कैथोड रे है इसके ऊपर निगेटिव पार्टिकल है, तभी तो यह प्लस की ओर मूव करती है। यह मान लीजिए आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ऊपर में माइनस कर दें और यहां पर प्लस कर दें, ऊपर में माइनस कर दें और यहां पर प्लस कर दें, यहां पर आप प्लस कर दें, तो अब यह रे इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। उसी तरीके से यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया जाता है तब भी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तब यह कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। यह खास याद रखना है, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ करके देखें। अब यहां पर कहा जा रहा है यदि इसके बीच में आपने किसी हार्ड मेटल को रख दिया, जैसे यहां पर मेटल ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यदि यहाँ पर आप किसी हार्ड मेटल को रख देते हैं तो फिर इसके बैक में शैडो बन जाते हैं, छाया।
इस तरीके से आपको याद रखना है, दोबारा सुनते हैं। यदि पेपर में यह आ जाए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, आपके पेपर में आ गया राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, आपका पहला जवाब होगा इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर टू में होगा इट इज कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। नंबर थर्ड में होगा इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर होगा व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ऑन हार्ड मेटल और ग्लास देन इट इमिट लाइट। इसको ऐसे समझिए, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, यानी कि मैं आपको यहां पर समझा दूं, जैसे यहां से ये कैथोड रे चली और यहां पर टकराती है, यहां पर ग्रेनिश कलर का ग्लो करता है। तो वही चीज यहां पर बताया गया है, दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल बियॉन्ड द एनोड, लाइट इज इमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। नेक्स्ट कैथोड रे पेनेट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम एंड मेटल, यानी कि कहने का मतलब कि यदि यहाँ पर बिल्कुल बारीक मेटल यानी कि पतले मेटल के प्लेट को रखा जाए तो यह कैथोड रे इसे पेनेट्रेट कर देती है, छिद्र करके पार हो जाती है। तो पेनेट्रेट का मतलब उसको होल करके निकल जाना। यदि इसी कैथोड रे को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर से पास कराया जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट को यह प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। उसके बाद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर यह पता किया गया कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा, द रेशियो ऑफ ई का मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज और मास का जो रेशियो होता है 1.76 × 10^11 सी का मतलब यहाँ पर कूलाम हो गया चार्ज का यूनिट और पर केजी, केजी यहाँ पर मास का हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कैथोड रे। यदि कैथोड रे आपने याद कर लिया तो ठीक इसी तरीके से एनोड रे होता है और एनोड रे की डिस्कवरी से प्रोटॉन का पता लगा, जैसे कैथोड रे की डिस्कवरी से इलेक्ट्रॉन का पता लगा उसी तरीके से एनोड रे की डिस्कवरी से यानी कि एनोड रे की स्टडी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। ये किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था एनोड रे की स्टडी से। इसमें भी उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, कोई खास अंतर नहीं है, सुन लीजिए याद हो जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में भी यानी कि एनोड रे के एक्सपेरिमेंट में भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, यहाँ भी मेटल के दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे। हाँ, एक अंतर जरूर था, यहाँ पर जो एनोड लिया गया था एनोड वाला प्लेट ये परफोरेटेड था, यानी कि इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र थे। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे छिद्र हैं। परफोरेटेड कैथोड लिया गया और इसी तरीके से लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो इस बार यहाँ पर क्या देखा गया, ये जो कैथोड है, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये जो कैथोड है इसके पीछे की दीवार इस बार रेड ग्लो करने लगा, जबकि पहले वाले में क्या था? ग्रेनिश ग्लो, और इसमें क्या ग्लो किया? रेड ग्लो किया। और इस बार कैथोड के पीछे दिखाई पड़ रहा था, जबकि पहले वाले में एनोड के पीछे दिखाई पड़ रहा था। यदि यह कैथोड के पीछे दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब कि आने वाली रे वो एनोड की ओर से आ रही है, और एनोड की ओर से आ रही है इसलिए इसका नाम रखा गया एनोड रे। इसी एनोड रे को केनाल रे भी कहा जाता है, इसके एक और नाम होते हैं,
आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में एनोड रेना कह करके केनाल रे नाम दे दिया जाए, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लगभग इसके प्रॉपर्टीज भी उसी तरीके से होंगे, इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, ये भी मेटेरियल पार्टिकल्स के बने होते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, जो उधर आपने याद किया था कि इलेक्ट्रॉन ये कैथोड के बारे में कि इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पर आपको याद रखना होगा इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद कुछ एक चेंज होते हैं, जैसे कि ई बाई एम का रेशियो अलग होता है, उसके लिए आप बुक से हेल्प ले लेंगे। ये भी मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ है। हाँ, इसका डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो यह माइनस की ओर डिफ्लेक्ट होगा। तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये इंडिकेट करता है यह खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दो पहले आप याद करें, और एक मैं और यहीं पर ले लेता हूं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो इन दोनों के डिस्कवरी के बाद जे जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे कहा जाता है जे जे थॉमसन्स मॉडल, जिसे कहा जाता है जे जे थॉमसन्स मॉडल। ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जे जे थॉमसन्स मॉडल के बारे में बताओ, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ दो लाइन बोलना है। इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये यदि पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, तो आपको याद रखना है कि एटॉम इज ए स्फीयर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉम इज ए स्फीयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। इम्बेडेड का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरा हुआ है, एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एनी एटॉम, और किसी भी एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, इसलिए न्यूट्रॉन का नाम हमें लेना नहीं है। तो जे जे थॉमसन के टाइम में, यानी कि जे जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, इस एटॉमिक मॉडल में आपको इतना ही बोलना है कि दोबारा सुन लीजिए, एटॉम इज ए स्फीयर ऑफ प्रोटॉन, एटॉम प्रोटॉन का एक गोला है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं, तैरते रहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी एटॉम, सो एटॉम इज न्यूट्रल, इसलिए एटॉम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब, इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल से अटैक किया, और अटैक करने के बाद इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उस आधार पर जो इन्होंने मॉडल दिया, यह मॉडल जे जे थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि रदरफोर्ड का भी, रदरफोर्ड ने भी जो मॉडल दिया था यह भी रिजेक्ट हो गया बाद में, लेकिन एक बार जे जे थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसके बारे में पहले कुछ जान लीजिए। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब के सब अल्फा पार्टिकल्स हैं, और ये सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये रेडियो एक्टिव रे हैं, क्योंकि तीन तरह के रेडियो एक्टिव रे होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और एंड गामा रे।
तो यहां पर अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा अटैक किया गया। तो आपको यहां पर इस तरीके से लिखना है, सबसे पहले लिखना है एक्सपेरिमेंट। पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको लिखना कैसे है। जब भी पेपर में यह क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन अबाउट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। आप सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक या दो लाइन, क्या 1000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑन गोल्ड फॉइल, 1000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑन गोल्ड फॉइल, 1000 अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर सोने की पत्ती के ऊपर बिखेरा गया। समझ में आ गया, 1000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑन गोल्ड फॉइल, 1000 अल्फा पार्टिकल्स को सोने की पत्ती के ऊपर बिखेरा गया। उसके बाद लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में तीन पॉइंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वेरियस अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देख रहे हैं, अधिकांश अल्फा किरणें बिना किसी रुकावट के सीधी लाइन से पास हो रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, वेरियस अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा पार्टिकल्स चेंज ऑन पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसका रास्ता था सीधे जाने का, लेकिन इसने यहां से अपना रास्ता बदल लिया, इसने यहां से अपना रास्ता बदल लिया। तो सम अल्फा पार्टिकल्स चेंज ऑन पाथ विद ए स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल। अब ये देख लीजिए, इसने तो यहाँ पर इतने डिग्री से रास्ता बदला और ये कुछ बड़े एंगल के साथ रास्ता बदल लिया, तो अलग अलग एंगल से इसने रास्ता बदला। तो पहला हो गया कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पत्ती से होकर बिना किसी रुकावट के सीधे निकल जाती है। दूसरा पॉइंट हुआ, कुछ अल्फा किरणें अपने रास्ते से भटक जाती है, कुछ छोटे या बड़े एंगल के साथ अपना रास्ता बदल लेती है, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अब तीसरा पॉइंट लिखना है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, यानी कि जिस रास्ते से जाती है इसी रास्ते से यह वापिस लौट आती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापिस लौट आती है। तो दोबारा सुने, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिखना है, वेरियस अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा लिखना है, सम अल्फा पार्टिकल्स चेंज ऑन पाथ विद ए स्मॉल एंड लार्ज एंगल। तीसरा पॉइंट लिखना है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक या रिबाउंड ऑन सेम पाथ। रिबाउंड का मतलब ये होता है उल्टे वापिस लौट जाना। और ना समझ में आए तो यहाँ पर तीन पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से आप ये नोट कर लें, और यदि समझ में आ जाए जो मैंने बोला उस बात को आप लिख लें। अब ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट, निष्कर्ष, भाई इसका कुछ मीनिंग तो होता होगा। तो तीसरा, पहला तो हो गया एक्सपेरिमेंट, दूसरा हुआ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अंदर तीन पॉइंट, उसी तरीके से कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट के अंदर भी तीन पॉइंट। मैं यहां पर लिख देता हूं, माउस से लिखने में बनता नहीं है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। पहले पॉइंट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, वेरियस स्पेस ऑफ एटॉम इज एम्प्टी, यानी कि एटॉम का अधिकांश भाग खाली है। नंबर टू में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दूसरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार सेंट्रल पार्ट ऑफ एटॉम,
सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि एटम का जो बीच वाला हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों? जरा देखिए, ये जो रे है ये खुद पॉजिटिव है, और यदि यहाँ पर आने के बाद ये अपना रास्ता बदल रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई सेम चार्ज होगा तभी रिपल्सन हुआ। तो सेम का मतलब कि यदि इस रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, तभी रिपल्सन हुआ। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज का पता लगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज का पता लगा था एनोड रे में, लेकिन रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिव चार्ज का नाम प्रोटॉन दिया। यहीं पर एक पॉइंट मैं और बता दूं, जैसे जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जरूर किया था लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम एस्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसी तरीके से गोल्ड एस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था लेकिन प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तो इस समय इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। तो यदि पेपर में आ जाए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था तो रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था तो रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था वो रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था जे जे थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था एस्टोनी ने। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां पर थे थर्ड कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन यहां पर क्या होगा? तीसरा कंक्लूजन ये होगा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस का जो साइज होता है एटम के रेस्पेक्ट में, इसका साइज बहुत ही कम होता है। ये तीन कंक्लूजन है। तो आज मैं आपको ये तीन काम दे रहा हूं। आपको क्या करना है, एनोड रे, कैथोड रे और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इतना आप याद करेंगे मेरे वीडियो को देख करके। नोट्स बनाएंगे, जो भी नोट्स बनाएंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। यदि सभी बच्चों ने नोट्स बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया तो फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।